प्रयागराज पुलिस ने अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने के मकसद से ऑपरेशन ऑक्टोपस चला रखा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा। प्रयागराज पुलिस की ऑक्टोपस टीम ने धूमनगंज के कसारी इलाके में दो गौ तस्करों की सटीक सूचना पर घेराबंदी की। पुलिस से घिरा देख 10,000 के इनामी गौ तस्कर मोहम्मद खुसरो ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर पर गोली लगी और वो घायल होकर गिर गया। पुलिस ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इसको हिरासत में ले ही रही थी कि तभी इसका साथी जो भाग रहा था उसने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की और दूसरे बदमाश के भी पैर पर गोली मारी और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 25/11/23 को थाना धूमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम ताहा पुत्र अच्छे जो बमरोली का रहने वाला है और दूसरा खुशरो पुत्र अच्छे, ये भी बमरोली का ही रहने वाला है। ये दोनों मुठभेड़ अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय में हुई हैं, जो थाना धूमनगंज क्षेत्र में कसारी मसारी क्षेत्र आता है उसमें ये मुठभेड़ हुई है और दोनों ही अभियुक्त गोकशी के मुकदमों में वांछित चल रहे थे और इन दोनों पे 10,000 रुपये का इनाम था। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असला व जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। पकड़े गए दोनों गौ तस्कर ताहा और खुसरो पर 10,000 का इनाम घोषित था। पुलिस इनको पकड़ने के लिए कई दिनों से दबिश दे रही थी। आधी रात के बाद ये लोग शहर छोड़ने वाले थे कि तभी सटीक सूचना पर पुलिस ने इनको घेर कर पकड़ा। पुलिस अब गौ तस्करी करने वाले इनके साथियों को भी खोजने में जुट गई है।